हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल, फीमेल, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जो भी व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको क्लैरिटी मिले और मेरे व्यूअर्स को क्लियर गाइडेंस मिले। प्लीज डिवाइन क्लियरली बताएं हमें क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सबसे पहले यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लवर्स, ग्रेट। नेक्स्ट वी हैव इज 10 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट, ओके, नाइन ऑफ कप्स एंड बॉटम वी हैव पेज ऑफ पेंटाकल्स। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके जोरियक साइंस, बॉटम एनर्जी यहाँ पर फूल की आई है, गाइस लुक अमेजिंग। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके जोरियक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, राइट। आई थिंक सारे जोरियक साइंस मैंने बोल दिए हैं। सभी जोरियक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। ऑल 12 जोरियक साइंस बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है। देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को एस ऑफ पेंटाकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। एस ऑफ पेंटाकल को क्लैरिफाई कर रहा है ऑर्डिनरीनेस, यानी कहीं ना कहीं दोनों सेम जोडियक साइंस हैं। हो सकता है आप दोनों भी सेम जोडियक साइंस के हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, दोनों अर्थ एलिमेंट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर। मुझे ना दो सिचुएशन नजर आ रही है, जो भी सिचुएशन आपकी हो आप रेजोनेट कर सकते हो। पहली सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर आपको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। ये अर्थ एलिमेंट है, यानी ये जो सेपरेशन हुआ है ना आप दोनों के बीच में, ये पर्सन आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आपकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है। जैसे और ऐसे जिम्मेवार ठहरा रहे हैं आपको जैसे आप ही की गलती हो इस पूरे रिलेशनशिप में, या आप ही की वजह से इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ हो। ओके, और ये जिम्मेवार पता है क्यों आपको ठहरा रहे हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं मौका मिल गया था। हो सकता है आपसे कोई छोटी सी गलती हो गई, ठीक है, आपने कुछ ऐसा कह दिया जिस वजह से ये पर्सन आपको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, इन्हें मौका चाहिए था इस रिलेशनशिप से, ये कहीं हद तक निकलना चाहते थे। क्यों निकलना चाहते थे ये रिश्ते से, क्योंकि पता है आपके पार्टनर को लगता था कि वो इस रिश्ते में तो रहना चाहते थे, आपके साथ रिश्ता तो जरूर वो रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, कि आपसे शादी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर उन्हें एक मौका मिल गया इस रिश्ते से निकलने का, उन्होंने आपको जिम्मेवार ठहराया और वो आपको छोड़कर चले गए, ठीक है। हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई हो, बहुत लोगों का यहाँ पर पेनफुल ब्रेकअप हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट आया ना ये अर्थ एलिमेंट है, यानी आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की भी कमी रही है। ओके, सो यस, इन्होंने काफी हद तक आपको जिम्मेवार ठहराया है। जो भी चीज इस समय आपके रिलेशनशिप में चल रही है उनका, आप पर इल्जाम लगाया, आपको जिम्मेवार ठहराया और आपको छोड़कर चले गए। ये पहली सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर है जहां पर आपके बीच में बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहती है, यानी कभी ये पर्सन आते हैं, मूड स्विंग्स है इस पर्सन के, कभी आएंगे बहुत प्यार दिखाएंगे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे, आपके आपको कॉल करके घंटों घंटों आपसे बात भी करेंगे, तो कभी ये अपने मूड के हिसाब से चलते हैं और कभी बिल्कुल बात नहीं करेंगे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करेंगे, आपको इग्नोर कर देंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर ये दो चीजें देख पा रही हूँ। जो भी चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे आप रखिए।
साथ ही साथ ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज शुरू से जानते थे, क्योंकि ये पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये पर्सन ये चीज शुरू से जानते थे कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में तो रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपसे शादी नहीं कर सकते, ये चीज में भी आपके पार्टनर शुरू से जानते थे। और यहाँ पर आपके साथ चीटिंग हुई है, डिसेप्शन हुआ हो, ठीक है, इस पर्सन ने या तो किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ दिया हो, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल है, हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर आपको छोड़ दिया हो, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, आप लोगों की सिचुएशन इनमें से कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या चीजें चल रही है ना, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऑर्डिनरीनेस यानी इनके साथ अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है, इनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल में देख रहे हो, जैसे ये हमेशा जीते आए हैं ना, जैसी लाइफ ये हमेशा जीते आए हैं, वैसा कुछ भी नहीं चल रहा है। इन्हें लगता था कि अगर ये आपको छोड़ देंगे तो ये आपको भूल भी जाएंगे और ये पर्सन इजिली मूव ऑन भी कर जाएंगे, पर रियलिटी तो ये है कि ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप इन्हें ऐसा कुछ दिखा रहे हो कि आप किसी और के हो रहे हो, ठीक है, आप किसी और से शादी कर रहे हो या किसी और के हो रहे हो, तो ये पर्सन से वो चीजें भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, तो इनकी लाइफ में कुछ भी ऑर्डिनरी नॉर्मल नहीं चल रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं, फाइटनिंग की एनर्जी, लुक दोनों ही अगेन सेम जोडियक साइंस एनर्जी आई है, दोनों ही जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये पर्सन की ना एक प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर में, ठीक है, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ये अपने ईगो के चलते, ये पर्सन अपनी प्राइड के चलते, ये पर्सन झुकना नहीं चाहते, इन्हें पता है कि गलती इनकी है, इन्हें पता है कि गलती इन्होंने करी है, आई एम सॉरी, इन्हें पता है कि गलती इन्होंने करी है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है झुकना नहीं चाहते हैं, ये फिर भी वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस का, आपके रिप्लाई का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इन्हें मैसेज करना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इन पर्सन को ना अपने लेसन सीखने दो, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि गलती इनकी है, ये आपको छोड़कर गए थे, लेकिन ये झुकना नहीं चाहते, इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन बन के रहे हैं ये, हमेशा हमेशा आपके साथ ये ना एक प्रैक्टिकल पर्सन रहे हैं, अगर इनके इमोशंस भी रहे हैं ना तो भी इन्होंने हमेशा अपने इमोशंस को हाइड करा है और आपके सामने एक प्रैक्टिकल पर्सन की तरह ये व्यक्ति रहे हैं। लवर्स की एनर्जी निकल कर आ रही है, प्यार तो है, इमोशंस हैं इस पर्सन के दिल में, आज भी बहुत प्यार करते हैं, चाहे आपके सेपरेशन को कितना ही वक्त क्यों ना हो गया हो, यहाँ पर बहुत लोगों की एनर्जी मैं ऐसे देख रही हूँ जहां पर आपके सेपरेशन को मोर देन 6 मंथ्स हो चुका है, ठीक है, मोर देन 6 मंथ आपके रिलेशनशिप को, आपके ब्रेकअप को, सॉरी आपके ब्रेकअप को या आपके सेपरेशन को मोर देन 6 मंथ हो चुका है, और ये पर्सन लेकिन आज भी आपको भूले नहीं है, इन्हें जितना आसान लगता था ना कि आपसे दूर जाना आसान है, उतना आसान रहा नहीं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इन्होंने ना आपको बदल दिया, मतलब आप पहले ना आप बिल्कुल इनोसेंट थे, टॉकेटिव थे, जो ब्लंट थे, जो आपके दिल में आता था आप कह देते थे, ओके, एंड काफी इनोसेंट थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप पहले जैसे टॉकेटिव नहीं रहे हो, आपकी इनोसेंस जो है कहीं ना कहीं इन्होंने खत्म कर दिया, उसे जैसे उस इनोसेंस को इन्होंने मार दिया है। क्यों मार दिया? क्योंकि आपने भी देख लिया कि इतना इनोसेंट होकर, इतना भोले होकर आप कुछ नहीं पा पा रहे हो, है ना, आपको सिर्फ धोखे मिल रहे हैं, आपको सिर्फ चीटिंग मिल रही है, तो आपने भी अपनी अंदर की जो इनोसेंस है ना उसे आपने कहीं ना कहीं दबा दिया है, और अब आप पहले की तरह इनोसेंट, टॉकेटिव, पहले जैसे नहीं रहे हो, अब आप पहले से बदल गए हो, अब आप इग्नोरेंट हो गए हो, अब आपके अंदर भी अब ईगो एटीट्यूड ये पर्सन देख रहे हैं, अब वो देख रहे हैं कि आप कितने प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है, आप पहले एडजस्ट करते थे इनके साथ चीजों में क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, लव की एनर्जी है, क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे आप एडजस्ट करते थे, आप कॉम्प्रोमाइज करते थे इनके साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप एडजस्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है, अब आपको अगर ये पर्सन चाहिए तो पूरे 100% चाहिए, वरना नहीं, है ना, तो राइट नाउ आप एडजस्ट की एनर्जी में नहीं हो, आप कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में नहीं हो, ओके, आप बदल रहे हो, आप बदल चुके हो, और इनको भी ऐसा नजर आ रहा है कि हाँ आप बदल रहे हो, आपके अंदर चेंज आ चुका है, ये पर्सन आपके लिए, आपके साथ हमेशा कंप्लीट फील करते हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जब भी ये आपसे मिलते हैं ना, आपसे बात होती थी इनकी, तो इनकी वाइब्स ही बदल जाती थी, मतलब ये बहुत पॉजिटिव फील करते थे आपसे बात कर कर, इन्हें बहुत अच्छा लगता था आपसे बात कर कर,
ठीक है, बट अब क्या हो रहा है ना, अब जो आप इनकी लाइफ से दूर हो गए हो ना, ये बहुत नेगेटिव फील करते हैं, ठीक है, भारीपन रहना, नेगेटिविटी रहना, स्ट्रगल्स बढ़ जाना इनकी लाइफ में, तो वो चीज आपके पार्टनर फील करते हैं। इन्हें कंप्लीट आपके साथ ही फील होता था, और आप जैसा फीलिंग्स, आप जैसी वाइब्स इन्हें कहीं और नहीं मिल रही है, कहीं पर भी नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उनके साथ भी वो उस वाइब्स को, उन फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं आपकी हैबिट हो चुकी है, आपके एडिक्टेड हो चुके हैं ये पर्सन। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ वैंड अपने आप में बहुत बर्डन को दिखा रहा है, तो यस, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। अब अकेले ही इन्हें बोझ उठाना पड़ेगा, क्योंकि गिल्ट का बोझ तो है इनके ऊपर, पछतावा है, अफसोस है, क्या करके आए हैं ये पास्ट में, तो उस पास्ट का बोझ तो अब इन्हें अकेले ही ढोना पड़ेगा, अकेले ही उठाना पड़ेगा। और अब कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अगर अब अभी तक आप एफर्ट्स कहीं ना कहीं डालते आए हो इस कनेक्शन में, आपकी वजह से ये कनेक्शन सस्टेन था अभी तक, लेकिन अब आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब आप एफर्ट्स नहीं डालने वाले हो, अब आप झुकने नहीं वाले हो उनके सामने, अब आपके अंदर एटीट्यूड आ चुका है। वो आपकी ये साइड देख रहे हैं जब जहां आपके अंदर एटीट्यूड आ चुका है अब, ओके, आप इगोइस्टिक, आप भी इगोइस्टिक हो चुके हो, आप भी झुकने नहीं वाले हो, और उन्हें पता है कि अब इस रिश्ते का एक समय पर, इस रिश्ते का पूरा बर्डन, पूरा बोझ आपने उठाया, आपने एफर्ट्स डाले, इस रिश्ते को मेंटेन, सस्टेन करने की कोशिश करी, लेकिन अब ऐसा समय है जहां पर अब उनकी बारी है कि वो इस रिश्ते का बोझ उठाए, वो इस रिश्ते को मेंटेन करे, सस्टेन करे, एफर्ट्स डाले, इनिशिएटिव डाले, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि उन्हें समझ में आ रहा है कि अब इस रिश्ते को उन्हें ही संभालना पड़ेगा, उन्हें एफर्ट्स डालने होंगे अगर वो इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं तो, राइट। और उन्हें समझ में आ चुका है कि अब आप पहले की तरह नहीं रहे हो, और अब आप एफर्ट्स नहीं डालना चाहते इस कनेक्शन में। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? नाइट ऑफ कप को राइटनेस की एनर्जी है, ये एक फेवरेबल टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, राइपनेस की एनर्जी है, यानी एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं ये पर्सन। क्योंकि आपके पार्टनर को पता है क्या लग रहा है, आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत वैल्यूएबल, बहुत प्रेशियस हो आप उनके लिए, एकदम बहुत वैल्यूएबल, बहुत प्रेशियस हो आप उनके लिए, और ये पर्सन आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, मतलब इनका प्यार आपके लिए लिमिटलेस है, लिमिटलेस है, बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं अभी इस समय भी ये पर्सन आपके लिए, और इनकी फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत जेन्युइन है, बहुत सीरियस है ये पर्सन आपके लिए। लेकिन ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ये अपना समय ले रहे हैं, ये इसलिए समय ले रहे हैं क्योंकि ये एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर अभी आपको अप्रोच करेंगे तो शायद आप अभी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, ओके, तो थोड़ा ये टाइम लेना चाहते हैं कि थोड़ा समय इनके फेवरेबल में आ जाए, थोड़ा आप भी, आपका भी गुस्सा शांत हो जाए, आप भी हील हो जाओ, फिर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट ये थोड़े फेवरेबल टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी है, कंटेम्पलेशन की एनर्जी नजर आ रही है। हर्मिट की एनर्जी अपने आप में कंटेम्पलेशन को दिखाती है, आइसोलेशन को दिखाती है, अबंडेंस। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इनके दिमाग में बहुत अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं। आप इन्हें माफ करोगे नहीं करोगे, आप इनके साथ रहोगे नहीं रहोगे, आप इन्हें कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, कहीं आप, आपको ये खो तो नहीं दिया इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए, कहीं आप सच में मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, तो बहुत थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग ये पर्सन आपको लेकर कर रहे हैं, ये जब भी मतलब उस एनर्जी में आता ना, आइसोलेट हो जाते हैं जब भी अकेले बैठते हैं ये पर्सन, तो इनके माइंड में ये सारे थॉट्स कहीं ना कहीं घूमने लगते हैं, और साथ ही साथ ये कंटेम्पलेट कर रहे हैं, यानी सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। ये पर्सन मुझे उस एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं जहां पर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे कैसे अपने प्यार को आपके सामने कन्फेस करें, क्या ऐसा करें कि आप मान जाओ, ठीक है। ये उन चीजों के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचते हुए आज नजर आ रहे हैं मुझे। सो यस, इनके ये एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि इस एनर्जी को अबंडेंस की एनर्जी, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये, तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में आ रहे हैं आपको लेकर। अगर कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न थे इनके, आज फुल मून है, और अगर इनके कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न थे तो मैं देख रही हूँ कि ये फुल मून उन नेगेटिव थॉट पैटर्न को भी हटा रहा है उनकी लाइफ से, और उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी भी लेकर आ रहा है। आज रात को मैं फुल मून की वीडियो भी पोस्ट करने वाली हूँ, उसे जरूर चेकआउट करें कि ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। बट फिलहाल मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन का माइंडसेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी, पॉजिटिविटी की एनर्जी, इन्हें आपके साथ अबंडेंस फील होती है।
नाइन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, स्लोइंग डाउन की एनर्जी है यहाँ पर, नाइन ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इस पर्सन के स्टेप्स बहुत ही स्लो हैं, यानी ये बहुत ही धीरे स्पीड में जैसे आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये क्यों इतने धीरे, क्यों इतने सोच समझ के आपके पास आना चाहते हैं ये, ठीक है। ये इसलिए इतने धीरे आ रहे हैं क्योंकि ये सच में सोच समझ के आना चाहते हैं। ये ना आपको ये अंदर से बहुत डेस्परेट हैं, अगर इनके अंदर देखा जाए, नाइन ऑफ कप की एनर्जी है ये, तो अंदर से बहुत डेस्परेट हैं, नीडी हैं, आपके लिए क्रेव भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज वो आपको दिखाना नहीं चाहते, वो नहीं दिखाना चाहते कि वो कितने डेस्परेट और कितने नीडी हैं, नीडी फील कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उनके लिए ना बहुत बहुत मैटर करती है, ठीक है। और वो अपने आप को मतलब एक नीडी एनर्जी में नहीं दिखाना चाहते, उन्हें लगता है कि अगर वो अपने आप को नीडी एनर्जी में दिखाएंगे या आपको बार बार चेस करेंगे तो उससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी, ओके। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को डेस्परेट और नीडी आपके सामने नहीं शो करना चाहते हैं, आपको शो नहीं करना चाहते हैं कि आपके लिए कितना ज्यादा क्रेव कर रहे हैं। बट इनके अंदर अगर झांका जाना तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं, बहुत इमोशंस हैं इस पर्सन के दिल में, और आज तो कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पर इनके इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं इनके इमोशंस आपको लेकर बहुत ज्यादा। आज इनके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं आपको लेकर, ओके। हो सकता है इन्हें रोना आए, हो सकता है ये सिर्फ आपके बारे में सोचते रहें, और ऐसा भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि वो आपको अप्रोच भी कर दें। इनके लिए अनकंट्रोलेबल है इनके इमोशंस आज। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को बॉटम एनर्जी, इंटीग्रेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, दैट इज यिन एंड यांग की एनर्जी। अब यहाँ पर क्या है, ये यिन एंड यांग हर पर्सन में होता है, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी हर पर्सन में होती है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, पर आपकी एक फेमिनाइन एनर्जी है, एक मैस्कुलिन एनर्जी है। और आज मैं इनकी फेमिनाइन एनर्जी को काफी स्ट्रांगली देख रही हूँ, यानी ये पर्सन फेमिनाइन एनर्जी में है। फेमिनाइन एनर्जी यानी आपके लिए बहुत केयरिंग महसूस करना, आपके लिए लव महसूस करना, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करना, ओके। सो वो उस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर आज इनकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हुई मुझे नजर आ रही है, फेमिनाइन साइड इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आ रही है, इनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। सो उस एनर्जी में आज आपके पार्टनर हैं और ये अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसलिए इनके इमोशंस बहुत ओवरबर्स्ट करने वाले हैं, इनके इमोशन सरफेस पर आते हुए भी नजर आ रहे हैं, ओके। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। देयर इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोड्स, द स्टार, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है, मे बी बहुत लिमिटेड लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी, बट मुझे ये चीज यहां पर नजर आ रही है। वन सेकेंड, ओके, आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे सिंगल एनर्जी देखने को मिल रही है, जहां पर मुझे ऐसा दिखता है कि मे बी आप कहीं थे, ठीक है, लास्ट टाइम जब आपका ब्रेकअप हुआ ना, तो आप कहीं थे किसी रेस्टोरेंट में, किसी बीच पर, किसी पार्क में, किसी गार्डन में, ठीक है, आसपास बहुत हरियाली भी मुझे नजर आ रही है, एंड या मे बी आप दोनों किसी ऐसी जगह पर थे और आपकी किसी बात से ये पर्सन बहुत ज्यादा जैसे गुस्सा होकर एकदम आपको छोड़कर चले गए, ओके। आई डोंट नो कितने लोगों से ये चीज रेजोनेट करेगी, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज होगा, बट मुझे ऐसा दिख रहा है जब फिर ये आपको छोड़कर चले गए एकदम से, बात के बीच बात काट दी, जैसे बिल्कुल वो होता है ना कि बिल्कुल बात बंद कर दी, बात काट दी, आप बात पूरी भी नहीं कर पाए और वो पर्सन आप चले गए एकदम से, आपसे दूर चले गए, जैसे एकदम गुस्सा होकर गए। तो ये एनर्जी पता नहीं किन लोगों के लिए है, बट ये एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। वेल, ओके, ओके। सो अब सबसे पहले तो यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ब्रेकअप तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को काफी पेनफुल हुआ है ब्रेकअप, और ये ब्रेकअप से मैं आपको बहुत एंग्जाइटी, बहुत बहुत स्ट्रेस दे दिया था, और इस ब्रेकअप से बाहर निकलना आपके लिए बहुत बहुत टफ हो गया था।
बट येस आपने अपने आप को हील करा, आपने इनर वर्क करा और आप उस ब्रेकअप से बाहर भी निकले हो, दैट व्हाट आई कैन सी. आप अपने इनर वर्क करा है, मुझे दिख रहा है कि आप या तो आजकल बहुत मेडिटेशन या जिमिंग एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, ये चीज में भी आप कर रहे हो आजकल बहुत ज्यादा. ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, आप इनर वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हो. एंड राइट नाउ आप काफी पावरफुल एनर्जी में हो, जहां पर अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर आप सेम ऑफिस सेम वर्क प्लेस में हो तो भी आप कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हो कि आप उनकी तरफ उनको नोटिस भी ना करो या उनको कोई अटेंशन ना दो. आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप फुल्ली इग्नोर कर रहे हो अपने पार्टनर को. एंड यू नो आपकी जो इग्नोरेंस है, आपकी जो ये साइलेंस है ना, ये आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, बहुत ज्यादा. उन्हें आपकी साइलेंस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, वो चाहते हैं कि आप इस साइलेंस को ब्रेक कर उनसे बात करो और उनसे कनेक्ट करो. सो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ. ये पर्सन चाहते हैं आप इनके साथ एडजस्ट करो. एंड आई थिंक कि इन्हें ऐसा भी, ये भी देख रहे हैं वो आपके अंदर कि आप एडजस्ट करने के लिए अब रेडी नहीं हो इनके साथ. अगर ये आपसे पास्ट में दूर भी गए थे ना, तो देखो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन खुश है, हैप्पी है अब अपनी लाइफ में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी है जहां पर आपके पार्टनर आपको दिखा तो रहे हैं कि वो हैप्पी हैं, वो खुश हैं अपनी लाइफ में, लेकिन रियलिटी ये नहीं है. रियलिटी में वो खुश नहीं है, रियलिटी में वो बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, रियलिटी में वो बहुत अपसेट हैं, बहुत दुखी हैं. लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके सामने जानबूझकर ये प्रिटेंड करते हैं कि वो खुश हैं, वो हैप्पी हैं, बट रियलिटी वो नहीं है. ओके, सो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ. ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, कितने बिजी क्यों ना हो, ये खाली हो बिजी हो, बट ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं. और आज तो मुझे इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हैं. लेट्स चेक मोर, और भी चेकआउट करते हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स के लिए. मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ओके. मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर हो सकता है कि पास्ट में इन्हें चांस मिला हो कि आपसे बात कर सके या आपसे माफी मांग सके या चीजों को बेहतर बना सके, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को जैसे मिस कर दिया है. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है उस चीज का. उन्हें लगता था कि उनके पास मौका था, वो चीजों को सही कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो चीजों को सही नहीं कर पाए. तो उन्हें बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि उनसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई. काश उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करा होता, काश उन्होंने आपसे बात कर ली होती. हो सकता है इस बारे में आपको पता है, हो सकता है कोई ऐसा मोमेंट हो जब आप दोनों सामने खड़े थे, उनके पास मौका था आपसे बात करने का, लेकिन वो नहीं कर पाए. पता है क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके अंदर नहीं है वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि वो आपको फेस कर सके. बहुत गलत करके जो गए हैं आपके साथ, तो कैसे कैसे वो हिम्मत आएगी आपको फेस करने की. चेजर आपकी एनर्जी में देख रही हूँ, जहां पर अब आप उन्हें बिल्कुल चेज नहीं करना चाहते हो, बेग नहीं करना चाहते हो. आपको लगता है कि बेग कर चेज कर आप सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो, राइट? आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ये चीजें बेफिजूल हैं. तो आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि अब उन्हें चेज कर भी कोई फायदा नहीं है. तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप उन्हें चेज नहीं करोगे, आप इनर वर्क करोगे, विच इज वेरी गुड. ये आपका डिसीजन है और आप अपने डिसीजन पर हो. मुझे ये चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है. पेज ऑफ कप विद निग्लेक्टेड, उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने आपको ना बहुत निग्लेक्टेड फील करवाया. आज उन्हें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं याद आ रही हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या करा है. और उन्हें ये चीज भी रियलाइज हो रही है कि उन्होंने आपके साथ ना बहुत आपको बहुत निग्लेक्टेड फील कराया, बहुत इग्नोर्ड महसूस करवाया है. आपको ईगो दिखाना, आपको एटीट्यूड दिखाना, ठीक है, आपको नखरे दिखाना. आप झेल रहे थे उनके नखरे, तो आपको दिखा रहे थे वो नखरे. तो यस, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत निग्लेक्टेड फील करवाया है और आपको वो चीजें नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप में जो वो जो एक्सपेक्ट करते हो कि वो करें आपके लिए, लेकिन वो चीजें वो आपके लिए नहीं कर पाए. तो उन्हें लगता है आई फेल टू गिव वट यू नीडेड. क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है रीयूनियन. यस, ये पर्सन रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, कम बैक करना चाहते हैं आपके साथ. एंड ये एक और मौका चाहते हैं आपसे. इन्हें लगता है कि एक और चांस इन्हें मिले और ये सब कुछ सही कर दें. ये गॉड से भी बहुत प्रे करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है. ये गॉड से बहुत प्रे करते हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं कि इन्हें एक और मौका मिल जाए. ये एक और चांस चाहते हैं, मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं, चाहे इन्हें एक और मौका चाहिए. डे ड्रीमिंग, यस, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं. ये फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स इनके साथ ऐसा हो रहा है कि आप इनके थॉट्स में हो और ये आपको अपने थॉट्स से निकाल भी नहीं पा रहे हैं. ठीक है, ये आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, चाहे ये कितने बिजी हैं, चाहे ये कितने वर्क करने में
मतलब बिजी हूँ, चाहे कोई भी वक्त हो, ठीक है, ये आपके बारे में सोचे जा रहे हैं. सो आई एम लॉन्गिंग फॉर यू की एनर्जी यहाँ पर है. इरिप्लेसेबल, इन्हें ऐसा लगता है कि आपको रिप्लेस नहीं करा जा सकता, आपकी जगह इनके दिल में कोई नहीं रह सकता है. आपके जो आप हो ना, आपका प्यार का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, और आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा पर्सन इन्हें दोबारा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है. और आप जितना प्यार करने वाला शख्स इन्हें कहीं नहीं मिलेगा, आप जितना अनकंडीशनल लव देने वाला शख्स इन्हें कहीं नहीं मिलेगा. तो यस, इन्हें ये भी चीज आज रियलाइज हो रही है कि आप इररिप्लेसेबल, आपको रिप्लेस नहीं करा जा सकता, आपको कोई भी इस वर्ल्ड में रिप्लेस नहीं कर सकता उनकी लाइफ में. ओके, डिसएग्रीमेंट, यस, हो सकता है यहाँ पर आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट रहा हो, आपके अपने थॉट्स हैं, उनके अपने थॉट्स हैं, और यहाँ पर थॉट्स को लेकर क्लैशेस हैं या ईगो को लेकर क्लैशेस हैं, जहां पर आप ये सोचते हो कि मैं उससे बात क्यों करूं, वो आपसे सोचते हैं कि वो आपसे बात क्यों करें. तो यस, देर आर सम सॉर्ट ऑफ ईगो क्लैशेस जो आप दोनों के बीच में मुझे नजर आ रहे हैं, और शायद इन ईगो क्लैशेस की वजह से भी आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, ठीक है. और आपके पार्टनर को मालूम है कि झुकना तो उन्हें ही पड़ेगा, है ना, लेकिन वो झुक कर आना भी नहीं चाहते, तो ये चीज कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज बनी हुई है. हैबिट्स, यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकते हैं. बॉन्ड में बॉटम एनर्जी भी सोल टाई की है. आई ऑलवेज फील कनेक्टेड विद यू, यानी हमेशा कनेक्शन तो आपके साथ फील करते रहते हैं, ठीक है, मतलब फॉर एवर वाला कनेक्शन. इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों कनेक्टेड हो, आपकी सोल्स कनेक्टेड है, आप सोल में ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो. कुछ हैबिट्स हैं इनकी भी, गलत हैबिट्स हो सकती हैं इनकी, ठीक है. और यस, और मुझे यहाँ पर आई डोंट नो बट ऐसा भी फील हो रहा है कुछ लोगों के पार्टनर, जैसे आपसे ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन के बाद, उनकी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या इस तरीके की हैबिट्स बढ़ गई हूँ, ठीक है. तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ बैड हैबिट्स. बट आपके पार्टनर जानते हैं कि उन्हें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा, सुधारना होगा. एंड यस, ये ट्राई करना चाहते हैं, ये अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि अगर वो सुधर जाएंगे, अगर वो बदल जाएंगे, तो आप उनके अंदर जब बदलाव को नोटिस करोगे तो आप उनको माफ भी कर दोगे, ये आपसे माफी चाहते हैं. ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें. नो वन कंपेयर्स टू यू, आपका कंपेरिजन किसी के साथ नहीं है, ये चीज आपके पार्टनर महसूस करते हैं. वो आपका इंतजार आज भी कर रहे हैं, आज भी आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं. उन्हें लगता है आप दोनों को बात करने के लिए ना वर्ड्स की जरूरत नहीं है, आपकी वाइब्स इतने अच्छे से मैच करती है ना कि आप दोनों एक दूसरे को समझ जाते हो. देयर इज अ स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्ड. कुछ गाने हो सकता है ये व्यक्ति सुन रहे हैं, आपको अपने आसपास इमेजिन कर रहे हैं कि इल्यूजन वर्ल्ड में आपको इमेजिन कर रहे हैं, जहां पर आपसे बातें करते हैं, या कुछ गाने सुन रहे हैं जिन गानों में आपको अपने साथ इमेजिन करते हैं, या उनके वर्ड्स कहीं ना कहीं कुछ मैच करते हो आपकी लाइफ से, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है. आई लव योर वॉइस एंड आई फील रिलैक्स, वो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं. बहुत हेल्पलेस हैं आपके पार्टनर, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें लगता है कि अब ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी रियल साइड, अपनी रियल सेल्फ आपको नहीं दिखा पा रहे हैं. आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है, आपसे लिटरली ये माफी मांगना चाहते हैं. और आप भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ, ये पर्सन आए और मुझसे माफी मांगे. ग्रेट, सो ये आज की रीडिंग है गाइस. कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें, लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. सो ये थी आज की रीडिंग. थैंक यू, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में.